हेलो स्टूडेंट दिस इज टाइप फाइव वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को वेरीफाई करना है वी हैव स्टडीड थ्री प्रॉपर्टीज क्लोजर कॉमुटिव एंड एसोसिएटिव अब देखो ये क्वेश्चन है थर्टीन बाई फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स बाई टेन इसमें क्या किया मैंने कॉम्यूटिटेट किया कि वो पोजिशन जो है एक्सचेंज कर दिए कॉम्यूटिव मतलब क्या एक्सचेंज ऑफ पोजिशन पोजीशन एक्सचेंज हो गया ये सेकंड पोजीशन पर था अब ये फर्स्ट पे है ये फर्स्ट पे था ये सेकंड पे है हाँ तो हमारा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है एंड ऑपरेशन यूज़ हो रहा है डिवीज़न तो इस टेबल के अनुसार ये आंसर होना चाहिए था क्या फॉल्स बिकॉज ये फॉलो नहीं करता है दिस शुड बी फॉल्स लेकिन ऐसा नहीं है कॉम्युटेटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन का वो ऑलवेज फॉल्स नहीं होता ऑलवेज फॉल्स नहीं होता कुछ केसेस में ट्रू भी होते हैं तो हम लोग इस टेबल से बस गेस कर सकते हैं आंसर्स को कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा बट वी कैन नॉट बी श्योर ओके सो वी विल हैव टू चेक इंडिविजुअली एल एच एस एंड आर एच एस इफ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस देन आवर प्रॉपर्टी विल बी ट्रू एल्स दैट विल बी फॉल्स ठीक है By the table, we can guess only. Let's, let's first solve for LHS. LHS 13 by 5 divided by 26 by 10 is equal to 13 by 5 into 10 by 26 2 times 2 times this is equal to 1. Now RHS. ट्वेंटी सिक्स बाय टेन डिवाइडेड बाई थर्टीन बाई फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स बाय टेन इंटू फाइव बाई थर्टीन इज इक्वल टू वन हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो दिस इज ट्रू ये भी कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी ही है पोजिशन इंटरचेंज हुआ है ऑपरेशन डिविजन है पिछले केस में ट्रू था लेट सी एल एच एस माइनस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री बाई फोर माइनस नाइन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन लिख सकते इन टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी चेंज तो अब जो है ये थ्री माइनस थ्री आएगा दिस इज माइनस ट्वेल्व बाई वन आरएचएस देखते हैं थ्री बाय फोर डिवाइडेड बाय माइनस नाइन डिनोमिनेटर में वन लिख सकते हैं थ्री बाय फोर इन टू वन बाय माइनस नाइन दिस इज माइनस थ्री इज इक्वल टू वन बाय माइनस ट्वेल्व यहां पर क्या आया माइनस ट्वेल्व आया एलएचएस में आरएचएस में क्या आया इसका इनवर्स आया वन बाय माइनस ट्वेल्व तो दोनों अलग अलग नंबर है दोनों दो डिफरेंट नंबर है देयर फॉर एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस फॉल्स एट बाय माइनस एट बाय नाइन डिवाइडेड बाय माइनस फोर बाय थ्री डिवीजन ही है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी ही यूज हो रहा है इसमें लेट्स चेक इट एल एच एस माइनस एट बाय नाइन इंटू चेंज हो जाएगा थ्री बाय माइनस फोर माइनस माइनस कैंसिल आउट टू टाइम्स थ्री टू बाय थ्री आर एच एस फोर बाय थ्री इंटू नाइन बाय माइनस एट माइनस टू थ्री दिस इज थ्री बाय माइनस टू थ्री बाई टू है ये टू बाई थ्री है एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस वन थिंग इज मिसिंग दिस इज दिस इज़ माइनस विल वी हेयर माइनस माइनस कैंसिल और दिस विल बी प्लस यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ डू इट बाई योर सेल्फ ओके करना क्या है एल एच एस देखना है इक्वल हो रहा RHS आर एच एस से या फिर एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस इफ दिस इज इक्वल टू आर एच एस दैन टू एल्स फॉल्स देखो इसमें क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा मोर देन टू रेशनल नंबर थ्री रेशनल नंबर यूज किया गया है और एसोसिएट किया गया पहले फाइव बाई नाइन एसोसिएट था वन बाय थ्री के साथ अब जो है वन बाई थ्री एसोसिएट फाइव बाई टू के साथ सो दिस इज द केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि डिवीजन में ये फॉलो नहीं करता है इसलिए फॉल्स होना चाहिए हाँ तो गेसिंग है मेरा फॉल्स होना चाहिए और फॉल्स है भी लेकिन चेक कर लेते हैं चेक कैसे होगा एल और आर निकालेंगे अगर दोनों इक्वल है तो दिस इज ट्रू एल्स फॉल्स फर्स्ट सी एल एच एस फाइव बाई नाइन डिवाइडेड बाय वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय फाइव बाय टू फाइव बाय नाइन इंटू थ्री बाय वन डिवाइडेड बाय फाइव बाय टू थ्री थ्री कैंसिल आउट दिस विल बी फाइव बाय थ्री डिवाइडेड बाय फाइव बाय टू फाइव बाय थ्री डिवाइड को चेंज करेंगे इनटू में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी गेट चेंज दिस विल टू टू थ्री अब हम लोग RHS देखते हैं फाइव बाई नाइन डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री इंटू टू बाई फाइव पहले ब्रैकेट का ही काम किया जाता है ऑपरेशन ब्रैकेट का होगा फाइव बाई नाइन डिवाइडेड बाई टू बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू फाइव बाई नाइन इंटू फिफ्टीन बाई टू देशल टू थ्री फाइव थ्री नाइन ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स हाँ तो देखो ये टू बाई थ्री आया ये ट्वेंटी फाइव बाई नॉट इक्वल टू आर एच एस देयर फॉर फॉल्स ये आप लोग कर सकते हो खुद से यहां पर क्या करना ये माइनस सिक्सटीन है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वन लिख सकते हो इसमें भी वन लिख सकते हो नाउ ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ ओके चलो एक मैं बताता हूं एल एच एस माइनस सिक्सटीन बाई वन डिवाइडेड बाय सिक्स बाय फाइव इन डिवाइडेड बाई माइनस नाइन बाय टेन माइनस सिक्सटीन बाय वन इंटू फाइव बाय सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस नाइन बाय टेन दिस इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन बाय फाइव अपॉन सिक्स ये डिवीजन में इनटू करेंगे डिनोमिनेटर मल विल इंटरचेंज माइनस माइनस चेंज देखो सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस होता तो हम कैलकुलेशन नहीं करते ये सब कैंसिल आउट नहीं होता अगर ये रहता है सिक्सटीन प्लस फाइव अपॉन सिक्स इंटू टेन बाई नाइन तो हम लोग कर सकते थे नहीं कर सकते थे कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं होता ओके okay? हम लोग ऐसा नहीं सपोज करो यहां पर टेन होता नहीं नहीं एटीन होता तो ऐसा नहीं कर सकते नाइन इंटू टू क्यों नहीं करते प्लस टर्म जो है वो दो टर्म को सिग्निफाई करता है ये एक टर्म नहीं हाँ ये सिक्सटीन इंटू एटीन होता तो ये बराबर एक टर्म हम इसको वैलिड मानते हैं ठीक है ये सब टेक केयर करना है आपको और प्रैक्टिस से ही होगा ये सारा मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम कैलकुलेशन करेंगे कैंसिल आउट करेंगे ठीक है तो ये माइनस माइनस को कैंसिल आउट किया क्यों क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है नो व्हाट वी आर गेटिंग इट थ्री टू थ्री टू फाइव ओके तो फाइव फाइव टेन वन सिक्सटी अपॉन ट्वेंटी सेवन दिस इज एल एच एस नो सी आर एच एस जस्ट डू इट बाई योर सेल्फ इफ हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कैन यू गेस विच प्रॉपर्टी इज दिस सी दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस साइन इज पॉजिटिव एडिशन ओके अब ये देखो थ्री बाई सेवन दोनों टर्म है, में है इसमें भी है इसमें भी है इट मीन्स थ्री बाई सेवन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया थ्री बाई सेवन को डिस्ट्रीब्यूट किया इट मीन्स दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ है मल्टीप्लीकेशन का यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन का हुआ है यहां पर एडिशन का हुआ है तो बताने का मकसद मेरा यह था कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए ओके अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या था वही डिस्ट्रीब्यूट होता था एंड वी नो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलोज ओवर दिस तो सारा ट्रू आंसर होना चाहिए बट वी हैव टू वेरीफाई हम लोगों को LHS और इक्वल करना है वो चेक करना है एल हाँ तो एच देखेंगे पहले थ्री बाई सेवन इंटू पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे थर्टीन इंटू सिक्स विल बी

ये टू टाइम से कैंसिल आउट होगा ये प्लस इन टू में है देखो यहां पर तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि ये प्लस में था कैंसिल आउट नहीं किए एलसीएम लिए लेकिन यहां पर तो कैंसिल आउट किया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है ये चीज याद रखना तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर को थर्टी सिक्स अपॉन नाइनटी वन दिस इज इक्वल टू फाइव बाई फोरटीन प्लस थर्टी सिक्स अपॉन 91. वन अब क्या करेंगे ये प्लस आ गया तो एलसीएम करेंगे कैंसिल और तो कर नहीं सकते हां यहां यहां पॉसिबल होता तो कैंसिल किया जा सकता था ये प्लस में है इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता तो हम लोग एलसीएम लेंगे 14 और 91 का एलसीएम देखो 27, सेवन सॉरी सेवन टू थर्टीन तो एलसीएम सी एम फोर्टीन इन थर्टीन एल्सियम विल बी फोर्टीन इंटू थर्टीन फोर्टीन इंटू थर्टीन कितना होगा टू तो दिस विल भी थर्टीन इंटू फाइव सिक्सटी फाइव दिस इज इक्वल टू थर्टीन इंटू सेवन नाइंटी वन टू दिसवल टू सेवनटी टू इज इक्वल टू फाइव टू सेवन वन थर्टी सेवन अपॉन वन एटी टू देर फोर ये हमारा आर एच एस है ये एल एच एस है दोनों इक्वल है सेकेंड वन okay. ये आप लोग खुद से बना सकते हो एक और बनाता हो मैं फिर रेस्ट यू विल डूट बाई योर सेल्फ सबसे पहले एल एच एस देखेंगे माइनस फिफ्टीन बाई फोर इन टू थ्री बाय सेवन प्लस माइनस ट्वेल्व बाई फाइव इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाई फोर इंटू एल सी एम थर्टी फाइव दिसन माइनस एट्टी फोर माइनस फिफ्टीन बाई फोर इंटू एट्टी फोर माइनस फिफ्टीन करेंगे या फिफ्टीन माइनस एटीन फोर करो फिफ्टीन माइनस एट्टी फोर अपॉन थर्टी फाइव दिस इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाय फोर इन टू एट्टी फोर माइनस फिफ्टीन अगर करते हैं तो हम लोग सिक्सटी नाइन आता है सिक्सटी माइनस साइन के साथ आएगा अपॉन थर्टी फाइव हाँ तो ये फाइव थ्री टाइम्स ये फाइव सेवन टाइम्स ठीक है दिस इज इक्वल टू टू जीरो सेवन एंड माइनस माइनस प्लस Two zero seven upon twenty eight. This is LHS. Now see RHS. Minus fifteen by four into three by seven into minus fifteen by four into minus twelve by five is equal to minus. इंटू में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 45 अपॉन और ये भी माइनस थ्री से माइनस माइनस प्लस इंटू नाइन लिख सकते हैं हम लोग दिस दिस प्लस दिस वॉज माई मिस्टेक माइनस अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 28 एट ये माइनस फोर्टी आया ठीक है अब ये क्या होगा वेरीफाई okay? हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोपर्टी जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन विल ऑलवेज फॉलो इसलिए हमें वेरीफाई करने का जरूरत भी नहीं है हम हर केस में ट्रू ही लिखेंगे इस स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरिंग एल एच एस माइनस एट बाई थ्री प्लस माइनस थ्री बाई ट्वेल्व इंटू फाइव बाई सिक्स एल सी एम विल बी ट्वेल्व फोर माइनस थर्टी टू प्लस माइनस थ्री इंटू फाइव बाई सिक्स Minus 32 plus minus minus three upon twelve into five by six is equal to minus thirty-five upon twelve into five by six is equal to minus one twenty-five upon twenty-two. Now RHS minus eight by three into five by six plus माइनस थ्री बाई ट्वेल्व इंटू फाइव बाई सिक्स ठीक है इसमें ये टू से डिवाइड होगा फोर टाइम्स और ये टू से डिवाइड होगा थ्री टाइम्स सो एव दिस विल बी माइनस फिफ्टी अपॉन नाइन प्लस मल्टीप्लीकेशन के केस में तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये थ्री फोर टाइम्स कैंसिल होगा तो दिस विल भी इक्वल टू माइनस फाइव दिस माइनस माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर

into 160 160 yeah, this is plus 3 times minus 15 is equal to minus 125 by 72 this is rhs hence lhs is equal to rhs hence verified 4 do it by yourself नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का ये कौन सा प्रॉपर्टी है तो देर आर देयर वेयर थ्री प्रॉपर्टीज क्लोजर कॉमोटेटिव एंड एसोसिएटिव ये तीन प्रॉपर्टी पढ़ना था हमें इसमें क्या था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इसमें भी हम लोग लो को चारों ऑपरेशन पढ़ना था प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का इसमें भी हमें पढ़ना था चारों ठीक है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन तो ये हमें कौन सा प्रॉपर्टी है देखना देखो इसके लिए तो सिंगल सिंगल रेशनल नंबर भी सफिशियंट था इसके लिए एटलीस्ट दो होना चाहिए इसके लिए एटलीस्ट थ्री होना चाहिए इसमें दो रेशनल नंबर है और देखो सेकेंड रेशनल नंबर का पोजिशन इसमें सेकेंड है दिस इज फर्स्ट पोजिशन दिस इज इन सेकंड पोजिशन इसमें फर्स्ट पोजिशन ये हो गया तो पोजिशन एक्सचेंज हो गया कॉमिटेटेट हो गया एक्सचेंज ऑफ पोजिशन सो दिस इज कॉमिटेटिव ला माइनस टू बाई थ्री सेवन बाई नाइन क्या मैंने बोला था तीन होना चाहिए एसोसिएटिव में और ये एसोसिएट भी कर रहा पहले माइनस टू बाई थ्री एसोसिएट था सेवन बाई नाइन के साथ अब सेवन बाई नाइन एसोसिएट है नाइन बाई फाइव के साथ ओके okay? यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा या प्लस है देखो यहां पर ये यह मल्टीप्लिकेशन है और ये एडिशन है और थ्री बाई फोर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक बार इसके साथ थ्री बाई फोर है एक इसके इसके साथ है बाई फोर फाइव बाई सिक्स एक साथ है थ्री बाई फोर सेवन बाई एट एक साथ है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक बार ठीक है तो ये क्या हो गया लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ठीक है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी भी हम लोग बोलते हैं अब ये मल्टीप्लाई हुआ है वन से तो या तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइदर इट विल बी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वन से तो सेम नंबर जो सेम नंबर ऑप्टेन होता है ये रेशनल नंबर है वन से मल्टीप्लाई किए सेम रेशनल नंबर ऑप्टेंड हो गया देर फॉर दिस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सी द केस ऑफ इनवर्स इनवर्स में क्या होता था कि जब हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट वन हो जाए तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ये रेसिप्रोकल भी है डिनोमिनेटर एनिनेटर का नंबर चेंज हो जाता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और वन आएगा हमारा रिजल्ट जीरो की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलवेज जीरो देगा इसलिए दिस इज इस द तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेरीफाई करना है फिर से वेरीफाई मतलब एल और आर को देखना है बराबर है या नहीं बराबर है एल देखते हैं थ्री बाई सेवन इन टू माइनस फाइव बाई नाइन दिस इज माइनस फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी थ्री ये देखते हैं आर माइनस फाइव अपॉन नाइन इंटू थ्री बाई सेवन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी थ्री देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस माइनस एट बाई सेवन दिस इज एल एच एस दिस इज आर एच एस इसको सभी सोल कैलकुलेट करते हैं थर्टीन इंटू एट वन जीरो फोर ट्राई टू रिमेंबर द टेबल ओके ट्वेंटी या एट टिल फिफ्टीन सेवन फोर्टी नाइन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थर्टीन इंटू एट माइनस वन जीरो फोर फोर्टी नाइन हैंच एस इज इक्वल टू आर एच एस दिस इज एल एच एस दिस इज आर एच एस इसको एल एच एस को सोल्यूट सोल्यूशन निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं माइनस माइनस कैंसिल आउट थ्री टाइम्स सेवन अपॉन फिफ्टीन माइनस माइनस कैंसिल आउट थ्री टाइम्स सेवन बाय फिफ्टीन देअर फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एल एच एस पहले लिखते हैं माइनस एट इंटू माइनस थर्टीन बाई ट्वेल्व डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वन लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस एट इंटू माइनस थर्टीन वन इंटू ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन जीरो फोर अपॉन ट्वेल्व नौ सी आर एच एस माइनस थर्टीन ट्वेल्व इंटू माइनस एट डिनोमिनेटर में वन लिखेंगे माइनस थर्टीन इंटू माइनस एट इसको लिखा जा सकता है और ये ट्वेल्व इंटू वन दिस इज इक्वल टू थर्टीन इंटू एट वन जीरो फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन टेर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस वेरीफाई करना है इसमें भी इसे भी वेरीफाई करना है देखो ये मल्टीप्लीकेशन है सारे प्लेसेस पे मल्टीप्लीकेशन को वेरीफाई करना बहुत ही आसान होता है अब एक एग्जाम्पल देखो ये टू इंटू नाइन या नाइन इंटू टू अगर हम लोग पोजिशन चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट तो हमेशा दोनों एटीन ही आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा अगर टू इं थ्री इं फाइव और इसको पोजिशन को चेंज करो फाइव टू थ्री मल्टीप्लाई करो हमेशा आपको जो है रिजल्ट सेम आएगा ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन केस में एडिशन के केस में ऑलवेज के सेम आएगा ओके एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर अगर एडिशन uh, करेंगे तो ऑलवेज हमेशा या मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमेशा सेम ही आएगा तो अब हम लोग पहले एल को देखते हैं एल में इस ब्रैकेट को देखेंगे तो इसे हम लोग फाइव इंटू ट्वेल्व अपॉन सेवन इंटू थर्टीन लिख सकते हैं इन टू सेवन बाय दिस इज इक्वल टू फाइव इंटू टू सेवन अपॉन सेवन इंटू थर्टीन इंटू एटीन भी लिखा जा सकता है सिमिलरली इसमें भी इस तरह से किया जा सकता है फाइव बाई सेवन इंटू ट्वेल्व इंटू सेवन अपॉन थर्टीन इंटू एट दिस इज इक्वल टू इसे फाइव इंटू ट्वेल्व इंटू सेवन अपॉन सेवन इंटू थर्टीन इंटू एट ये भी लिख सकते तो दोनों सेम है फाइव ट्वेल्व सेवन सेवन थर्टीन एट एग्जैक्टली सेम है देयर फोर नहीं 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 सेम नहीं है देखो ये फाइव ट्वेल्व सेवन है फाइव ट्वेल्व सेवन राइट सेवन थर्टीन सेवन थर्टी दिस इज एटीन एंड दिस इज एट ओनली देयर फोर एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस ओके सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर इंटू माइनस ट्वेल्व इंटू थर्टी फाइव अपॉन फाइव इंटू थर्टी सिक्स अभी केवल एल ले रहे हैं ओके? इसको भी माइनस थर्टीन इंटू माइनस ट्वेल्व इंटू थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स थर्टी सिक्स लिखा जा सकता है नो कंसिडर आर एच एस माइनस थर्टीन इंटू माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फोर इंटू फाइव इंटू थर्टी फाइव बाई थर्टी सिक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टीन इंटू माइनस ट्वेल्व इंटू थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर इंटू फाइव इन टू थर्टी सिक्स हाँ तो इसमें भी क्या हो रहा exactly same है एग्जैक्टली सेम है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ये वेरीफाइड हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री डू इट बाई योर सेल्फ ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन माइनस ट्वेंटी थ्री बाई सेवेंटीन इन टू एटीन बाई थर्टी फाइव द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या होगा तो ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होने के लिए यहाँ पर माइनस ट्वेंटी थ्री बाई सेवनटीन होना चाहिए ओके क्योमेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार इसमें क्या आएगा ये माइनस सेवन बाई नाइनटीन दिया हुआ है रिमेनिंग माइनस थर्टी एट होना चाहिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होने के लिए कॉम्युटेटेटिव प्रॉपर्टी इसमें देखो ये इंटू इंटू का ही है सारा सारा इंटू है माइनस ट्वेंटी वन बाई टेन दिया हुआ है माइनस फाइव बाई सिक्स दिया हुआ है फिफ्टीन बाई सेवन होगा ओके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फोर बाय फिफ्टीन दिया हुआ है माइनस ट्वेल्व बाई फाइव दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव बाई माइनस सिक्सटीन विल बी देयर अब क्या है वेरीफाई करना है वेरीफाई एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आई होप यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ एल एच एस देखते हैं थ्री प्लस माइनस सेवन बाई ट्वेल्व दिया हुआ है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं वन ट्वेल्व थर्टी सिक्स माइनस सेवन थर्टी सिक्स माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन बाई ट्वेल्व आरएचएस माइनस सेवन बाई ट्वेल्व प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व एल सी एम माइनस सेवन थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन बाई टे फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है पहले माइनस टू बाई सेवन लिखेंगे इसे और इसको माइनस थर्टी फाइव बाई ट्वेल्व ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया मैंने एल एच एस को अब एल सी एम लेंगे सॉरी माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी फाइव एलसीएम विल बी थर्टी फाइव माइनस टेन प्लस माइनस ट्वेल्व माइनस टेन माइनस ट्वेल्व अपॉन थर्टी फाइव इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू अपॉन थर्टी फाइव इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी फाइव प्लस माइनस टू बाई सेवन दिस इज इक्वल टू थर्टी फाइव एम माइनस ट्वेल्व होगा फाइव एम माइनस टेन दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस टेन अपॉन थर्टी फाइव दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी टू अपॉन थर्टी फाइव देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ही है फिर वेरीफाई इसे भी करना है तो सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे जैसा मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एल को कंसिडर करते हैं पहले माइनस वन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वन लिख सकते हैं प्लस माइनस टू बाई थ्री प्लस माइनस थ्री बाय फोर दिस माइनस वन बाय वन प्लस एल विल बी ट्वेल्व फोर माइनस टू माइनस एट प्लस थ्री माइनस नाइन दिस इज इक्वल टू माइनस वन Upon 1 plus minus 8 minus 9 upon 12 minus 1 by 1 plus minus 17 by 12. Take LCM 12. This will, this will be equal to minus 12 plus minus 17. This is equal to minus 12 plus minus 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 17 by 12 is equal to. माइनस ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेल्व नोट टेक आर एच एस माइनस वन अपॉन वन प्लस माइनस टू बाई थ्री डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो वन लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस थ्री बाय फोर दिस इज इक्वल टू थ्री थ्री माइनस थ्री प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस थ्री बाय फोर

प्लस माइनस माइनस दिस इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी नाइन बाय ट웰्व, दैट हॉर एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स तो इज़ी है, इस यहां पर प्लस आएगा, मैंने बताया था आपको कि प्लस और माइनस के केस में हमेशा केवल अगर ये नंबर का पोजीशन चेंज होता है तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं आता तो एल को इक्वल होने होना चाहिए आरएचएस से तो यहां पर माइनस थ्री बाय सेवनटीन होगा माइनस नाइन प्लस माइनस ट्वेंटी वन बाई एट दिस इज माइनस नाइन तो यहां पर माइनस ट्वेंटी वन बाई एट होगा हम पहले भी बता चुके हैं प्लस और के, के केस में पोजीशन चेंज करने से नंबर का पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट पे ओके यहां पर भी वही केस है दिस इज द केस ऑपरेशन ऑफ एडिशन दैट इज़ प्लस ऑपरेशन ऑफ प्लस ऑपरेशन ऑफ एडिशन नंबर कैन बी चेंज अभी ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया ए सेकंड था ये फर्स्ट कर देंगे इसमें क्या हो रहा प्लस का ही केस है प्लस का केस है पोजिशन चेंज कर सकते हैं आराम से थ्री बाय सेवन थ्री बाय सेवन थर्टीन बाई फोर थर्टीन फोर रिमेनिंग इज माइनस एट बाय थर्टीन दिस विल बी आवर आंसर इसमें क्या हो रहा माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व सेवन बाई ट्वेल्व सेवन बाई ट्वेल्व देन माइनस नाइन बाई इलेवन विल बी आवर आंसर ये आंसर गलत है ओके दिस इज एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर ये आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर फाइव का सिक्स है ओके टाइपिंग मिस्टेक्स टाइप सिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक इन्जॉय योर मैथ थैंक यू स्टूडेंट